स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो ये एपिसोड है एक और टेक न्यूज का, और टेक न्यूज में मैं बताता हूँ आपको कि दुनिया और टेक्नोलॉजी और भारत और मतलब बहुत सारी ब्रह्मांड सृष्टि रचना दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है तो जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए, ये आपकी नॉलेज को बढ़ा देगा। तो हमारी पहली टेक न्यूज है Realme X2 Pro के बारे में। जी हाँ, Realme X2 Pro द मोस्ट अवेटेड, जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं। पिछले 5 जन्म से मैं Realme X2 Pro का वेट कर रहा हूँ और फाइनली ये लॉन्च होने जा रहा है 20 नवंबर को 12:30 बजे न्यू दिल्ली में। जी हाँ, Realme X2 Pro के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये Realme का एक फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है, जिसमें होगा Snapdragon 855+। यस, जी हाँ, इसमें Snapdragon 855+ है। यही नहीं, UFC 3.0 का स्टोरेज मिलेगा और कमाल के कैमरास मिलेंगे, 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिलेगा, Adreno GPU 640 मिलेगा। और जैसे कि हमें पता है कि Realme अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव, बहुत कॉम्पिटिटिव रखता है, इसलिए ये जो फ़ोन है इसका इतना इंतज़ार किया जा रहा है। और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो अभी 1-2 दिन में निकल के आ ही जाएगी, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्राइस क्या है। व्हाट्सएप आने वाले टाइम में अपने पास बहुत सारे फीचर्स ऐड करने वाला है, बहुत सारी नई नई चीज़ें लाने वाला है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टाइम बम वाला मैसेज, जिसमें आप टाइम सेट करके मैसेज भेज सकते हो और फिर एक निश्चित समय के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। डार्क मोड आने वाला है, और एक और नई चीज़ आने वाली है वो ये व्हाट्सएप पे। जी हाँ, जैसे कि हम किसी को फोटोज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, अब हम डायरेक्ट पे कर सकते हैं व्हाट्सएप से। कमाल की बात है ना, मतलब शायद वो जो UPI वाला सिस्टम है उससे ये चीज़ लिंक्ड होगी और आप पैसे भेज पाएंगे इतनी आसानी से। शायद ये आ जाएगा 3-4 हफ्तों में, ये अपडेट्स हमें देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। वो अपडेट्स बेटा टेस्टिंग चल रही है, 2-3 हफ्ते में आ जाने चाहिए। पबजी का बुखार हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है, यू नो इट वेरी वेल, और अब लोगों के सिर पे चढ़ा हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी का बुखार। कॉल ऑफ ड्यूटी कॉम्पिटिशन देने में सक्सेसफुल रहा, और अब इन दोनों की बजाने के लिए एपेक्स लेजेंड नाम का एक गेम आ रहा है, जो PC के ऊपर इस गेम के 70 मिलियन हिट्स हैं। तो 70 मिलियन हिट्स हैं, और ये अब सोच रहे हैं कि इस गेम को PC प्लेटफॉर्म से अब मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल किया जाए। तो वो लगे हुए हैं इसके अंदर, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू PUBG है। तो देखते हैं क्या ग्राफिक्स होंगे, कितना इंटरेस्टिंग ये रह पाता है। हालांकि मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी इतना पसंद नहीं आया, आई एम स्टिल प्लेइंग PUBG पेलोड मोड। ये बेबी, ब्लो दैट हेलीकॉप्टर ब्रो। आगे एक चीज बताता हूँ, मैं और मेरा दोस्त अभी पेलोड मोड की फुल मतलब मस्ती लेते हैं। तो हम मिलिट्री बेस पे उतरते हैं, वहाँ 2-3 हेलीकॉप्टर होते हैं, एक हेलीकॉप्टर वो उड़ाता है, एक हेलीकॉप्टर मैं उड़ाता हूँ, और कई बार हम 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाते हैं। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि रियलमी में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है जो कि डार्क मोड ले आएगा। अब एक नई न्यूज ये है कि वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है एक बग के चलते हुए, वो उस बग को फिक्स करेंगे और फिर ये अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप रियलमी का यूजर हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा और आपको डार्क मोड हाजिर हो जाएगा आपके स्मार्टफोन में। रियलमी इज डूइंग ग्रेट जॉब। हो यार, चाइना का ब्रांड है, काश हमारा कोई इंडियन ब्रांड भी ऐसे ही करता तो मैं उसको पूरा प्रमोट करता। Redmi Note 8 और 8 Pro लॉन्च हो चुके हैं, और अब जल्द ही लॉन्च होने वाला है Redmi Note 8T। अभी अभी ताज़ा तरीन कुछ लीक हुई है चीज़ें, ये चीज़ है कि Redmi Note 8T में NFC सपोर्ट होगा, 18V फास्ट चार्ज सपोर्ट होगा, इनबॉक्स आपको मिलेगा, और इंडिया में कब लॉन्च होगा इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं निकल के आई है। और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऑल्दो इट्स सिमिलर टू Redmi Note 8, बट थोड़े बहुत इधर उधर होंगे और ये फ़ोन आ जाएगा। आईफोन के जो चीपर वर्जन्स हैं, iPhone SE, तो वो जो आपको पता ही है कि वो चीपर वर्जन है, लेकिन नई बात ये है कि iPhone SE 2 2020 में लॉन्च होगा। ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होगा, सस्ते दामों में आईफोन के मजे लीजिए आप लोग। तो इसमें वैसे 3D जो टच है वो नहीं देंगे वो लोग, इसकी डिज़ाइन है वो सिमिलर होगी iPhone 8 से। जी हाँ, इसकी प्राइस होगी शायद 27,000 से 35,000 के बीच में,
आई थिंक सो, मैंने अपने अनुमान लगाई है भाई। और आखिरी न्यूज है Vivo U10 के बारे में। Vivo U10 अब आप खरीद सकते हैं Amazon पे डायरेक्ट जाकर, उस वो ओपन सेल के लिए अवेलेबल हो गया है। हाल ही में पिछले महीने Vivo का U10 लॉन्च हुआ था 10,000 रुपए की कीमत के अंदर। इसमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस है, ऑल दो इट्स नॉट बेस्ट, बट इफ यू आर अ Vivo फैन और Vivo के लॉयल कस्टमर, Vivo के शेयर, तो आप खरीद लो भाई, मुझे क्या कहते हैं। और अगर आपको जानना है कि 10,000 रुपए के अंडर में कौन सा बेस्ट फोन है, आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वीडियो बना के हाजिर हो जाऊंगा यार। प्लीज कमेंट करके बता दो कैसी लगी आपको ये वीडियो। अब समय होता है आपसे विदा लेने का।